विद्यार्थी मित्रों ब्राह्मण साहित्य एक परिचय यह विषय आप सभी के लिए ही नहीं प्रत्युत सभी के लिए स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी के लिए परम उपयोगी विषय है ब्राह्मण साहित्य वेद साहित्य का ही अंग है कुछ भी विद्वानों के अनुसार तो ब्राह्मण और संहिता दोनों मिलकर वेद कहे जाते हैं क्योंकि आप स्तंभ स्रोत सूत्र में कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम ध्येय वेद संपूर्ण मानवता का सर्वप्राचीन एवं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी साहित्य है भारतीय संस्कृति परंपरा, प्रशासन कर्मकांड, आचार विचार एवं भक्ति श्रद्धा पुरुषार्थ चतुष्ट इत्यादि सभी तथ्यों का सन्निवेश ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है ये ब्राह्मण ग्रंथ संख्या में अनेक हैं, किंतु आज काल की अखंड धारा में भी पंद्रह ब्राह्मण ग्रंथ सुलभ हैं ब्राह्मण शब्द संस्कृत के ब्राह्मण शब्द से निष्पन्न होता है जिसके तीन अर्थ हैं शब्दकोशों में ब्राह्मण शब्द का प्रथम अर्थ है मंत्र अर्थात जिस शब्द राशि में मंत्रों का विनियोग मंत्रों की व्याख्या और उनकी उपयोगिता को उपस्थापित किया गया हो उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं द्वितीय अर्थ है यज्ञ यग्य। यज्ञों की व्याख्या यज्ञों से संबंधित विवरण यज्ञशाला यज्ञों की व्यवस्था इत्यादि से संबद्ध वर्णन जिस शब्द राशि में सन्निहित हो उन्हें ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है और तृतीय अर्थ है परम पवित्र ज्ञान अथवा रहस्यात्मक विद्या आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि त्रिविध विद्याओं का रहस्य जिस साहित्य में प्राप्त होता है उन्हें ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है ब्राह्मण ग्रंथ की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि जो वेदों के मंत्र हैं चाहे वे वेद ऋग्वेद हो यजुर्वेद हो सामवेद हो अथवा अथर्ववेद हो चारों ही वेदों के मंत्रों का कहाँ कब किस अवसर पर किसके द्वारा और किस प्रकार किस मंत्र को उपस्थापित किया जाएगा यह विनियोग जिस साहित्य में प्राप्त होता है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं वस्तुतः यदि ब्राह्मण ग्रंथ न होते तो संभवतः वैदिक मंत्रों का क्रियात्मक कर्म कन, कांडात्मक अथवा वे ब्राह्मण साहित्य में जो भी वर्णन प्राप्त होता है उस उपयोगिता से वे मंत्र रहित हो जाते इन सभी दृष्टियों से ब्राह्मण ग्रंथों का भारतीय वांग्मय में वैदिक साहित्य में अत्यंत महत्व है वैदिक मंत्रों का अर्थ इतना कठिन है कि बिना ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किए उनके अर्थ का बोध हो ही नहीं सकता है महाभाष्यकार पतंजल ने पशपसाह पस में कहा है कि अनग ना भी सुष्कैध ज्वलति न त्वलत कर यदि सूखी लकड़ी चाहे जितनी भी हो किंतु आग के बिना जैसे नहीं जल सकती तो वैसे ब्राह्मण ग्रंथों के बिना वेद मंत्रों का अर्थबोध नहीं हो सकता निरुक्तकार एयास्क ने भी कहा है अर्थ नित्यम परीक्षेत अर्थ की दृष्टि से ही वैदिक शब्दों की नित्य परीक्षा होनी चाहिए ब्राह्मण ग्रंथों का लक्षण करते हुए विद्वानों ने आश्वलायन गृह सूत्रकार ने कहा है कि हेतुर्वचनम निंदा हेतुर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का लक्षण इसमें उट्टंकित किया हुआ है उपमानम दशाइतु विधयो ब्राह्मण से वई जिन कारणों से वेद मंत्रों का विनियोग होता है वह हेतु कहलाता है और अर्थ की दृष्टि से निरुक्ति को निर्वचन कहते हैं वेद में अथवा ब्राह्मण ग्रंथों में जिन कर्मों का जिन उपयोगी सामग्रियों की प्रशंसा की गई होती है उनको अर्थवाद कहते हैं और जिन जो निषिद्ध हैं उनकी निंदा की गई है जैसे सत्य बोलने वाला ही यज्ञ का अधिकारी हो सकता है यदि असत्य कोई बोलता है तो असत्यवादी व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता है ब्राह्मण ग्रंथकारों ने यह बताया है कि सत्य बोलना अग्नि को घृत से सींचने जैसा है और असत्य बोलना अग्नि को जल से सींचने के समान है इसी प्रकार इन ब्राह्मण ग्रंथों में कल्प और परक क्रिया का भी वर्णन है परक क्रिया का तात्पर्य होता है इष्टापूर्त अर्थात यज्ञ यागादि के साथ साथ जो परोपकार के कर्म हैं जैसे कूप तैयार करना तालाब तैयार कराना वृक्ष लगाना वाटिका लगाना ये सभी आपूर्त कहलाते हैं तो ये सभी कार्य परिक्रिया होते हैं लेकिन जो पूरा कल्प की बात है वह आख्यानों से संबंधित है क्योंकि प्राचीन काल में जैसे हरिश्चंद्रोपाख्यान है श्रुनासेपो आख्यान है शतपथ ब्राह्मण में चवन उपाख्यान है इन उपाख्यानों के द्वारा परवर्ती पीढ़ी को यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि कर्मों को इन इन प्रकार से यदि संयोजित किया जाता है तो व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है यदि नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी उन्हें प्राप्त होता है प्रोफेसर द्विवेदी साहब आपने बहुत अच्छा ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में बताया हम मैं विद्यार्थी मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें अभी आपने सुनी क्या कुछ ऐसी कथाएं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती हैं कि जिनके द्वारा हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को हमारे बच्चों को कुछ बता सकें वो जीवन में उपयोगी ये कथाएं ले सकें या उसको ग्रहण कर सकें कुछ ऐसे विधान या उदाहरण हैं कि जो वर्तमान समय में आज जीवन में उसको लेकर के हम एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकें निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर मुरारी साहेब आपने यह बहुत ही सामयिक और उपयोगिता पूर्ण बिंदु को आपने उपस्थापित किया यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है मैं इसी संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथों के लक्षण में ही पूरा पु, कल्प बताया गया है और उपमान भी बताया गया है जैसे उपमान सूर्य से उपमा दी गई है जैसे सूर्य निश जागता रहता है चलता रहता है संसार को अपने तेज और प्रकाश से आलोकित करता रहता है उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए यहाँ तक कि इस ग्रंथ इतरे ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों का एक मुख्य ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबद्ध है इस ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति निरंतर सोया रहता है वह कली है जो काम करने के प्रति सचेष्ट होता है वह द्वापर है कार्य करना त्रेता है और कार्य को पूर्ण करना सतयुग की तरह है जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है इसी प्रकार सुनहसेप का एक उपाख्यान है जो ऋग्वेद के सप्तम पंचिका ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण की सप्तम पंचिका में प्राप्त होता है अत वह ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कुछ चालीस कुल चालीस अध्याय दो सौ पचासी और अनेक अम्म आठ अध्याय प्राप्त होते हैं इस प्रकार इस अतर ब्राह्मण ग्रंथ चालीस अध्याय हैं और आठ पंचिकाएं प्राप्त होती हैं जिनमें अनेक कांड भी हैं तो उनके सप्तम पंचिका में सुनहसेप नाम का एक व्यक्ति था जिससे संबंधित उपाख्यान को यहाँ उपस्थापित किया गया है जो आज के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है जी आपने कहा हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहीं कोई ऐसा विषय है कि किसी क्योंकि ब्राह्मण के नाम से आज एक जाति विशेष को महत्व दिया जा रहा है तो सोना सेप उपाख्यान जब आपने सोना सेप की चर्चा की तो वहाँ ये भी बताया गया है कि वो जाति से कोई संबंध नहीं है क्या इस प्रकार की कोई चर्चा है ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य वस्तुतः यज्ञ मंत्र और आध्यात्मिक विद्या से संबंधित साहित्य है वेद का व्याख्यात्मक स्वरूप है वह सार्वजनीन सार्वकालिक और सर्वजन उपयोगी है Next उससे page. किसी उससे किसी जाति का कोई लेना देना नहीं है यदि ब्राह्मण ग्रंथों में उपस्थापित ब्राह्मण शब्द से किसी जाति की चर्चा होती है तो यह मुख्य रूप से अज्ञान की उपज है क्योंकि ब्राह्मण तो एक सर्वजन हिताय साहित्य है, साहित है। सुनासेप नाम के उपाख्यान के संदर्भ में आपने जो आ, संकेत किया उसको 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 उपस्थापित करते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सुनासेप उपाख्यान में उपाख्यान की कथा यूँ है कि हरिश्चंद्र राजा को कोई संतान नहीं थी उन्होंने वरुण देवता की प्रार्थना की और वरुण देवता के आशीर्वाद से उन्हें रोहित नाम का पुत्र हुआ लेकिन वरुण के यज्ञ में उस पुत्र को पुनः परावर्तित कर देना था बाद में महाराज हरिश्चंद्र पुत्र को उन्होंने वापस नहीं किया प्लीज नेक्स्ट पेज पुत्र को वापस न करने के कारण वरुण देवता उन पर नाराज हो गए और इस कारण उनके अभिशाप से इन्हें जलोदर रोग हो गया यह रोहित नाम का बालक वन चला गया छः वर्षों तक वन में रहा किंतु इसी बीच महाराज हरिश्चंद्र ने अपने राष्ट्र के एक अजीगर्त नामक लोभी ब्राह्मण को गोदक्षिणा के उपलक्ष्य में प्रसन्न करके उनके पुत्र को उन्होंने सुना सेप नाम के पुत्र को बलि के लिए वरुण देवता को देने के लिए राजी कर लिया अंत में उसका उसको, उसको बलि देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ जबकि ऋत्विक के रूप में वशिष्ठ विश्वामित्र और अत्रि भी उस यज्ञ में थे ऐसी स्थिति में लोभी ब्राह्मण अजीगर्त ने अपने पुत्र को धन के लोभ में बलि देने के लिए भी स्वीकार कर लिया इधर रोहित जंगल से अपने पिता की उधर पीड़ा का समाचार पाकर आ रहा था इंद्र ने उसे रास्ते में रोककर कर्म योग में ही प्रवृत्त रहने के लिए उपदिष्ट किया फिर भी वह अपने पिता हरिश्चंद्र के पास आया जी आपने बहुत अच्छी बात कही आ, हमारे यहाँ हमारा जो भारत का धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता उसमें भी कर्म ब्रह्मोद्धव और कर्म गहना कर्मणो गति वगैरह ये सब वहाँ श्लोक बताए गए हैं कि कर्म करना हमारे लिए प्रमुख कार्य है क्योंकि हम कभी कभी विद्यार्थियों को भी ये कहते हैं कक्षाओं में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कि आप कर्म करिए फल ईश्वर के हाथ में है ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कर्म को प्रवृत्त किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में आगे आगे अतरह ब्राह्मण के जिस सुना से उपाख्यान की चर्चा यहाँ की जा रही है उस संदर्भ में यह बात तीन या चार बातें बहुत अच्छी निकल कर आती हैं पहली बात तो यह कि सत्ता के लोभ में सत्ता के आ, आ, का उपयोग करके और धन का उपयोग करके किसी भी आ, पुत्र को किसी के पुत्र को बलि के लिए तैयार किया किए जाने की बात भी निकल कर आती है किंतु बलि अंत में नहीं हुई क्योंकि वरुण और अग्नि देवता की उपासना उस सुनह सेप ने की और उन लोगों के आशीर्वाद से उसकी बलि नहीं हुई दूसरी बात यह कि विश्वामित्र ने बाद में सुनह सेप को अपना पोष्य पुत्र स्वीकार कर लिया विश्वामित्र के कुल आ, सौ पुत्र थे पचीस पुत्र, पचास पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया सुनासेप को और पचास पुत्रों ने स्वीकार किया। विद्यार्थियों तो, एमनी चर्चा हमारा सीडी में में ही सका है त्या विश्वामित्र थी जटला पुत्रों की उत्पत्ति थी हमारी सीडी में आप सरस रीते ही सको छो इसमें एक बात यह उभर कर सामने आती है कि पुत्रों की परंपरा भी रही है बाद में उन जिन पचास पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया वे विश्वामित्र के कोपभाजन बने और उन्होंने यह अभिशाप दिया कि तुम्हारी भावी वंश परंपरा पुलिंद सबर, नेक्स पौंड्र इत्यादि जातियों के संस्कार से संपन्न हो जाए परिणामत जो आंध्र बंगाल पौंड्र अर्थात बंगाल आंध्र और मध्य देश महाराष्ट्र इत्यादि की आदिवासी जातियाँ हैं वे भी विश्वामित्र की ही वंश परंपरा की जातियाँ हैं यह बात सिद्ध होती है एक तरफ सुनासेप के ऊपर वात्सल्य भाव से जहाँ विश्वामित्र उसे पोष्य पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं वहीं क्रोध में आकर अपने पचास पुत्रों को अभिशाप भी देते हैं इसलिए वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि जो लोकोत्तर चरित्र के लोग होते हैं वह वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी अधिक सुकोमल होते हैं इस सुनासेप उपाख्यान के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं जैसे लोभा पापस्य के लोभी व्यक्ति अविश्वसनीय होता है जब अजीगर्द नाम का ब्राह्मण अपने लोभ के कारण अपने पुत्र का शुभ चिंतक नहीं हुआ और उसे बल देने के लिए न केवल राजा हरिश्चंद्र को दे दिया बल्कि उसे उस बच्चे को बल करने के लिए स्वयं भी तैयार हो गया इससे सिद्ध होता है कि जो लोभी है वह कोई भी पाप कर सकता है अतः लोभी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए इसके साथ साथ अन्य भी अनेक बातें इस सुना सेप नाम के उपाख्यान में उभरकर कर आती हैं ब्राह्मण ग्रंथों की एक सबसे बड़ी विशेषता है वह यह कि अर्थ की दृष्टि से निर्वचनों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत महत्व है अतः आचार विचार संस्कृति सभ्यता का आधार है यह ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा वेदों की अपेक्षा अत्यंत सरल प्रसार